हेलो वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टॉपिक वाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीसीसीएलियर ओवर बैंक टू थाउजेंड का कुछ क्वेश्चन आंसर जो आने वाले कोई भी माइनिंग कंपनी में एग्जाम लाइक एसीएल बी सी सी एल एन कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए शुरू करते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन है फॉर बेटर सेफ्टी द ऑप्टिमम ग्रेडियन ऑफ हॉल रोड ईस्ट मतलब बेटर सेफ्टी के लिए कोई भी हॉल रोड जो हम लोग क्रिएट करते हैं एक बेंच से एक बेंच को जाने के लिए उसका ग्रेडियन कितना डिग्री में होना चाहिए चाहिए फॉर बेटर सेफ्टी ऑप्शन नंबर वन है वन डिग्री टू थ्री डिग्री ऑप्शन नंबर टू है फिफ्टीन डिग्री टू नाइन डिग्री ऑप्शन नंबर थ्री है फाइव डिग्री टू नाइन डिग्री ऑप्शन नंबर फोर है वन डिग्री टू ट्वेंटी डिग्री तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री फाइव डिग्री टू नाइन डिग्री उसका ऑप्टिमम ग्रेडियन रहना चाहिए ऐसे भी हम लोग जानते हैं इन उसका gradient होता है तो वन इन सिक्सटीन को आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो फाइव पॉइंट कुछ डिग्री आता है आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन अंडरग्राउंड माइन्स है सपोर्ट ऑन इंसुलेटर इज मतलब मैक्सिमम कितना वोल्टेज हम लोग अंडरग्राउंड माइन्स में कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल में यूज करते हैं

तो वो दोनों उसका दोनों का बीच बीच में उसकी दूरी कितना मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ऑप्शन नंबर वन है 12.5 ऑप्शन नंबर टू है 13.5 ऑप्शन नंबर थ्री है 14.5 ऑप्शन नंबर फोर है 15.4 तो इसका करंट सर है ऑप्शन नंबर टू 13.5 मीटर होना चाहिए तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हु विल से परमानेंट और टेम्पोररी स्पीड लिमिट्स फॉर एरिया व्हीकल का स्पीड बा, कौन करता है बा, कौन सा क्लास का व्हीकल यूज करना है ऑप्शन नंबर नंबर टू है डीजीएमएस ऑप्शन नंबर फोर माइंस फोरमैन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन माइंस मैनेजर कोई भी व्हीकल का टाइप और स्पीड वो डिसाइड करता है आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बिफोर स्टार्टिंग डिप्लेरिंग ऑफ उप, ऑपरेशन परमिशन हैव बीन टेकन फ्रॉम मतलब कोई भी जगह में हम लोग कर चुके हैं उसके बाद डिप्लेयरिंग करना है तो किसका परमिशन हम लोगों को लेना होगा ऑप्शन नंबर वन है डीजीएमएस का ऑप्शन नंबर टू है स्टेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का ऑप्शन नंबर थ्री है चेयरमैन ऑफ सी का ऑप्शन नंबर फोर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन डीजीएमएस का परमिशन लेना है डिप्लेरिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने का आगे आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर परमिशिबल लिमिट ऑफ रेस्टोरेबल कंसेंट्रेशन ऑफ कोल्ड डस्ट शुड नॉट बी मोर मोर देन मतलब कोई भी जगह में कोल्ड डस्ट कितना होना से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑप्शन नंबर वन है सिक्स मिलीग्राम पर मीटर क्यूब ऑप्शन नंबर टू है 10 मिलीग्राम पर मीटर की ऑप्शन नंबर थ्री है 15 मिलीग्राम पर मीटर की ऑप्शन नंबर फोर है 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा रिस्पेबल को, कोल्ड डस्ट वहां पे नहीं होना चाहिए आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर ब्लास्टिंग गैलरी मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर वर्किंग सीम थिकनेस मतलब जहां पर हम लोग ब्लास्टिंग गैलरी मेथड यूज करते हैं जहां पर थिक थिकनेस कितना मीटर का कम रहेगा तो वो सुटेबल नहीं होता है ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग मेथड वहां पर करना ऑप्शन नंबर फोर है मोर देन इलेवन मीटर तो कम थिकनेस वाला जो सिम होता है तो वहां पर तो एकदम ही ब्लास्टिंग गैलरी मेथड वहां पर एडोप्ट नहीं किया जाता है तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन लेस देन सेवन मीटर में

तो वो कितना घंटा का अंदर में हम लोग को करना चाहिए ऑप्शन नंबर वन है ट्वेंटी फोर आवर में ऑप्शन नंबर टू है फोर्टी एट आवर में ऑप्शन नंबर थ्री है सेवेंटी टू आवर में ऑप्शन नंबर फोर है ट्वेल्व आवर में तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन ट्वेंटी फोर आवर का आगे हम लोगों को फॉर्म फोर ए में उसका नोटिस रीजनल इंस्पेक्टर को हम लोग को सेंड करना पड़ता है